नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी के लिए साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं आपके क्लास में हाजिर होती हूँ, और आज भी मैं साइंस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में हाजिर हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट के। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट के पहले क्वेश्चन के साथ में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। यूरिन में जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन डी, यूरिक्रोम के कारण। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्या है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। क्वेश्चन है आपका विटामिन B2 का अन्य नाम है, बताइए क्या है अन्य नाम। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। क्या होगा, राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आई होप आप सभी बता रहे होंगे इसका जवाब। लार किसके पाचन में सहायक होती है, बताइए क्या होगा और बताइए आप सभी। ऑप्शन बी, स्टार्च। जी हाँ दोस्तों, स्टार्च जो है लार जो है स्टार्च में पाचन में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्या है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन और बहिस्रावी ग्रंथ भी है। चलिए बताइए इसमें ऐसा कौन सा है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथ दोनों हैं। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी क्या है सही जवाब, ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय जो है वह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। दोस्तों बताइए फलों के मीठे स्वाद का कारण है क्या है, फलों के मीठे स्वाद का कारण। ऑप्शन बी, फ्रक्टोस जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन में से मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से बताइए कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन बी। कौन सा विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपकी स्क्रीन पर क्या है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की। क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। किसने की, विलियम हार्वे ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अच्छे से जवाब दीजिए और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस किसके रूप में भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है बर्ड फ्लू, बताइए। ऑप्शन सी, H5N1 के नाम से भी जाना जाता है, H5N1 के नाम से भी बर्ड फ्लू को जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये चारों ऑप्शन देखिए और इसमें बताइए किसकी उपस्थिति के कारण टमाटरों का रंग लाल दिखाई देता है। चलिए बताइए, ऑप्शन बी, कैरोटिनाइड। क्या है, कैरोटिनाइड के कारण जो है पके हुए टमाटरों का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं,
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि लाइकेन सबसे अच्छे सूचक, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, लाइकेन के सबसे अच्छे सूचक कौन है बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सबसे अच्छे सूचक कौन से हैं। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण के, किसके अच्छे सूचक हैं, वायु प्रदूषण के। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है। ऑप्शन डी 4 होती है, 4। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। ऑप्शन ए विटामिन के की, किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन कि एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, चलिए बताइए एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, सही से देखिए और बताइए क्या है। ऑप्शन सी प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कहाँ नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन डी प्लीहा, कहाँ, प्लीहा, प्लीहा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्या है सही जवाब। ऑप्शन बी यकृत, क्या है, यकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि ए बी रक्त वर्ग वाले, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक कहा जाता है, क्योंकि ए बी रक्त वाले वर्ग के व्यक्ति को कभी कभी सार्विक कहा जाता है, सार्विक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी, उनके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव रहता है, इसलिए इन्हें कभी कभी क्या कहा जाता है, सार्विक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सही जोड़ मिलाइए, यहाँ पर सही जोड़ मिलाना है आप सभी को। इधर साइड किसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके नाम दिए हुए हैं और कौन कौन से अध्ययन है इसके अंतर्गत, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक और बताइए। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कॉस्कोलॉजी, अब बताइए कॉस्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ नंबर 3 ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, किसका, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका होगा फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, तो एक ही बच रहा है, होगा क्या, स्नायु तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहली बात, उसके बाद बताइए इसके हिसाब से कौन सा सही ऑप्शन होगा। कौन कौन से हो रहे हैं, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2, बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, 3, 5, 1, 4, 2। ऑप्शन ई, 3, 5, 1, 4, 2। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन ई। आई होप सबको दिख रहा है, कट रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस्कोलॉजी है। चलिए ध्यान से यहाँ से फिर से बता देते हैं हम। ठीक है, कॉस्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए।
ब्रह्मांड का, ठीक है। इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन। एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत स्नायु, स्नायु तंतुओं का अध्ययन। 5 3 2 1 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही जवाब, 3 5 1 4 2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या है बेरी बेरी, क्या है क्वेश्चन? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? ये तो सभी बता लेंगे, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? ऑप्शन बी, B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में, दिख रहा है? जनन क्षमता में कमी होती है बताइए, जनन क्षमता में किसकी कमी होती है? क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ई की कमी होती है। किसकी कमी होती है? विटामिन ई की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी जो है चाहते हैं कि कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करना और सभी क्वेश्चनों का भंडार एक साथ अच्छे तरीके से चाहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए गए हैं, पूछे गए हैं, उसका अगर पूरी तरीके से भंडार जो कहते हैं ना कि चाहिए, तो आप सभी को हमारी तरफ से ये PDF तैयार किया गया है, ठीक है, जो कि मात्र 25 रुपीज में है, जिसमें 2000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें साइंस और कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। वन यहाँ पे आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। 25 का तो आपका ये है, इसमें 5 रुपए आपका ट्रांजेक्शन चार्ज जुड़ेगा, जिससे आपका हो जाता है 30 रुपीज, ठीक है। दोस्तों बाकी की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जो भी क्वेरी है वहां से आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। इवन आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं, जो भी हो। खैर देखिए यहाँ पे जो भी रेट है, जो भी सब कुछ प्राइस दिया गया है 49 रुपीज में, ये भी है, और यहाँ पे 5000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कैसीन। क्या है? कैसीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? चलिए बताइए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन सी, विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? चलिए क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लाइकोजन का। किसका प्रयोग करता है सबसे पहले? ग्लाइकोजन का। चलिए अगला देखते हैं, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है बताइए, इसमें से चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए 120 दिन, कितना होता है? 120 दिन जो है इनका जीवन काल होता है, ठीक है। मानव के रक्त की सामान्य pH होती है, मानव के रक्त का जो pH मान होता है, सामान्य pH मान होता है, वह कितना होता है आप सभी बताइए? ऑप्शन ए 7.4, कितना होता है? 7.4। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अच्छे से जो है इसका जवाब दीजिए। और जो भी डिटेल है बाकी की, जैसा कि मैंने आपको PDF के बारे में बताया कि यहाँ से आप जो है वो बुक परचेज कर सकते हैं, साइंस की बहुत ही अच्छी बुक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आप बाकी की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सर का व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वहां से भी आप उनसे जो भी क्वेरी है वहां से कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और बाकी की जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।